मैं सरपंच इम्तियाज लोहार से मदन गोपाल, मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जब भी हम कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो जो हमारी खबर एलजी तक और हर जगह पे पहुँचाते हैं तो हमें थोड़ा सा इनका फायदा होता है और सभी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, पंचायत लोहार से नौ पाकी क्लास से। हमारे उधर लोग हैं कोई गुज्जर समुदाय के, जो कोई 80-90 के करीब लोग हैं, वो पहले 2-3 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी जो नए आए हैं और जब से हमारे नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह जी उधर आए हैं तब से पक्की कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेंटर पड़ रहे हैं, पक्के कुल्ले बन रहे हैं, उससे पहले कभी किसी के टाइम पे नहीं हुए। हमने कंप्लेन की, कंप्लेन के बाद भी क्या नायब साहब ने क्या किया, हमारे गाँव के मेरा भाई है उसको बुलाया फ़ोन पर, क्योंकि उसने इसलिए बुलाया कि वो बार बार फ़ोन करता है SDM साहब को या DC साहब को, तो वो कहते हैं कि यही बंदा तंग करता है, नायब साहब ने पता नहीं उनसे कुछ लिया दिया है या क्या बात है, उनको बुला के इन पर उन्होंने गुज्जरों से हमला करवा दिया। वो तीन गुज्जर थे उधर के, कुछ नाम भी हैं उनके पता नहीं, तो इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी सहारा नहीं मिला। जब हम पुलिस चौकी पे गए कंप्लेंट करने के लिए तो चौकी अफसर कहता कि हम नायब साहब से कंप्लेंट लेंगे, इससे नहीं लेंगे। मेरा नाम बालकृष्ण है जी, मैं रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट से हुआ हूँ, 4 साल से रिटायर आया हूँ। मेरे साथ जो नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने मेरे को 3 बार कॉल किया कि आप मेरे पास आ जाओ, हम तनार नाले पे जा रहे हैं मौका देखने। मैंने बोला मैं नहीं सरपंच हूँ, ना मैं मेम्बर हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैंने फ़ोन काट दिया। उसने फिर दोबारा कॉल की, मैंने फिर यही जवाब दिया, बोलता यार 10 मिनट के लिए आ जाओ। मैं चला गया, लंबरदार भी और मेरे साथ विसाखी ASI भी साथ थे और जशपाल हमारे गाँव के, 31 तारीख की तारीख थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो नायब तहसीलदार ने मौके पर एक चिट्टे वाले को पकड़ा जो डोई लेके आ रहा था। हमने बोला हमारे गांव का था वो, हमने बोला कि भाई कितने की लिया है डोई, नायब ने पूछा, उसने बोला 500 रुपये, उसने बोला कितनी डोई ली है, बोला 2 लेता हूँ डेली की। ये नायब साहब के सामने की बात है, ठीक है। उसके बाद नायब हमें बोलता कि बयान दे दो, हमने बोला किस चीज़ के बयान दे रहे हैं, हम कोई लंबर नहीं, सरपंच नहीं, किस चीज़ के बयान मांगता हमसे, इनसे मांग जो कुल्ले बना रहे हैं उनसे। उसके बाद उसने क्या किया, गुजरों को पहले बोल के रखा था, गुजरों ने बोला था कि यही लड़का SDM को बार बार फ़ोन करता है और DC साहब को फ़ोन करता है, क्योंकि हम गांव में नहीं आने देते थे इनको। इन्होंने क्या किया, अब जब हमारी फसल लगी हुई है रात को घोड़े छोड़ देते हैं, ठीक है, जब हम पकड़ते हैं तो हम बांध भी लेते हैं, तब भी ये नहीं मानते, हम कितने देर रखेंगे उनको बांध, थाना चौकी पर जाते हैं, चौकी वाले बोलते हैं कि हम घोड़े थोड़े रखेंगे इधर, जब इनको बुलाते हैं बोलते हमारा नहीं, वो भी हमने एक प्रूफ करके दिखाया चुनाव चौकी अफसर को, वहाँ उसको हमने पेश किया और घोड़ा हमने 10 दिन बांध के रखा, उससे हमने हरजाना भी लिया है, जब उसका हरजाना लिया है वो बहुत सख्त हो गया, अब रात को वो खोल देते हैं दैन से, हमारी फसल पकी तो है नहीं, सैली फसल है, और जब भी जाते हैं सुबह जब हम जाते हैं तो चरा के चले जाते हैं। बाकी उन्होंने क्या किया, नायब तहसीलदार ने उनको बोल के रखा था कि यही लड़का है, तो 3 गुजर हैं, एक एक नाम है कालू गुजर, काशा गुजर, जूसी गुजर, ये 3 ने बोला लड़कियों को, कुड़ियों पकड़ लो इसको, उन्होंने भी पकड़ा। अच्छा, इतनी देर वो भी भाग गया, मैं भागा वहाँ से, नैसबैन भी वहाँ रहा, हमारा लंबड़ी भी वहाँ रहा, जशपाल भी वहाँ रहा, विसाखियाँ भी, उन्होंने इनको कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो मेरे पीछे हमला किया उन्होंने। मैं मेरी 64 ईयर एज है मेरी, कितना दौड़ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी 1.5 किलोमीटर दौड़ा और गुजरों के कूलर के पास उन्होंने मेरे पास बाहर कर दिया, गुजरों ने भी और कुड़ियों ने भी। जो फिर मैं चौकी पर गया हूँ तो नया तहसीलदार ने जो बयान दिए हैं उनसे पैसे कहता है, लोग डरते हैं, मैं डरता नहीं हूँ, ना डरने वाला हूँ, वो पैसे कहता है गुजरों से, रिगार्डिंग है हमारे पास, हमने SDM को रिगार्डिंग दी है, उस पर लिखा है, गुजर का नाम भी दिया है, वो बोलता है जो पहले बैठे हैं 3 कनाल का 1 लाख रुपया ले जाओ, जो अभी बैठे हैं 50 रुपये कनाल, गामा गुजर करने क्या नहीं करनी, तो उन्होंने बोला उसको ये मसला हुआ। फिर उन्होंने मेरे को मारा, मैंने अभी भी दिखाया अंदर, ऐसे ऐसे बात हुई, ना कोई पर्चा लगा ना कुछ। अभी क्या आश्वासन दिया एडिशन साहब ने बोला कि मैं DC साहब मौके पर नहीं है, मंडे को आएंगे, उनसे बात करेंगे, उन्होंने SDM को ये हमारी कापी जो है वो भेज दी है जी, और गुजरों की हमने जो रिगार्डिंग है SDM को भेजी है, SDM साहब ने DC साहब को भी भेजी है, ये हमारे प्रधानमंडल हैं सरपंच रवि कुमार, हरिपुर पंचायत के सरपंच हैं, इनके सामने, और इन्होंने भी बोला है। मेरा नाम श्रीमान शर्मा है और मैं चुड़वाल पंचायत का सरपंच हूँ। मेरे हमारे साथ जो नियरेस्ट पंचायत लदवाल है, लदवाल पंचायत के एक डेपुटेशन एडिशनल DC कठुआ से मिला, मिलने का मकसद ये था कि लदवाल पंचायत के साथ ये जो तरना नाला है
वहाँ पे गुज्जर समुदाय के जो कुछ लोग हैं उन्होंने 80 के करीब जो मकान जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, और जो नेचर ऑफ लैंड है वो काचराई स्टेट लैंड और बॉर्डर बॉडी है। इसके अलावा इनके जो मवेशी हैं ये लोगों के खेतों में जाते हैं और फसलें जो तबाह हो रही है, और पूछने पर इनका एडामेंट बिहेवियर रहता है। इसके साथ साथ पिछले दिनों 2 कंप्लेंट रजिस्टर हुई, ये एक तो पशु तस्करी में इन्वॉल्व हैं ये लोग, इसके अलावा यही लोग पशु जो है ये चोरी करते हैं उसके बाद ये स्मगल कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि एविक्शन का आर्डर चाहिए, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन जो है टूटनी चाहिए। देखो मसला खड़े रहो, जब ये समुदाय के जो लोग हैं जो आए दिन मसले चलते ही रहते हैं इनके, इनकी जो मतलब की गतिविधियाँ हैं हमारे एरिया में ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब पिछले दिनों जो भाई साहब ने आपको बताया था इनकी 64 एज है, और जब इसको इनको बुलाया गया इनको वहाँ पे उस लोगों ने और नाम बताया और उनकी औरतें उन्होंने इनको मारा है, और अगर मतलब कि वो 4-5 बंदे वहाँ पे ना होते उन्होंने तो शायद इसको वो मतलब कि बंदे को मारी हादसा हो जाता था, मतलब कि लेनी देनी की बन जाती है। अब हो गया कह रहा है कि सारे का सारा गांव आप देखो, अब आने वाले टाइम पे इसके ऊपर अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो ये वहाँ पे दंगे हो सकते हैं। आप काउंट कर लीजिए पूरे का पूरा गांव आया हुआ है, और पूरे गांव की लेडीज और जेंट्स सारे के सारे तैयार हैं कि अगर हमें इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं मिला तो इसको मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको कुछ भी समझ ले, हम इसको बचने वाले नहीं हैं।